दोस्तों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है, जो कि आप अपने मोबाइल पर ही आप घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है और किस वेबसाइट से चेक किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आप अपने मोबाइल में ही घर बैठे बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद में उस पर आप डाल दीजिएगा upmsp.edu.in। आपको गूगल में upmsp.edu.in इतना डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है, और आप सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन हो किया जाएगा। तो आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको प्रेस कर देना है, जो लिखा होगा upmsp.edu.in और नीचे लिखा होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो आपको इस पर प्रेस कर देना है। तो आप इस पर जैसे प्रेस करेंगे ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो रिजल्ट को हम कैसे चेक करेंगे, तो आप जाइएगा यहाँ पर लिखा होगा ऊपर समस्त परीक्षा फल, और इस समस्त परीक्षा फल पर आपको प्रेस कर देना है। और समस्त परीक्षा फल पर जैसे प्रेस करेंगे ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा हाई स्कूल कक्षा 10 का समस्त परीक्षा फल, और इधर लिखा होगा इंटरमीडिएट कक्षा 12 का समस्त परीक्षा फल। तो यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का समस्त परीक्षा फल ये देखिए वर्ष 2021 का यहाँ पर शो हो रहा है, और अगर आपको 2022 का चेक करना है यहाँ पर जो वर्ष 2021 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2022 लिख के आ जाएगा, शो होके आ जाएगा। तो आप लिंक खोलें पे प्रेस करके आप अपना रिजल्ट बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस वेबसाइट पे कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस पे इसमें जो है अपना रिजल्ट जो है बहुत ही आसानी तरीके से एकदम बिल्कुल मुफ्त में ही बिल्कुल फ्री में ही चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक रिजल्ट चेक करके दिखा देता हूं, जो कि हमारे पास 2019 का डाटा अवेलेबल है। मैं आपको 2019 का चेक करके दिखा सकता हूं, और उसी तरीके से आप 2022 का भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर वर्ष 2015 से 2020 लिखा हुआ है, जो कि हमें 2019 का चेक करना है। तो यहां पर इस लिंक को खोलने पर प्रेस कर देंगे। तो इस लिंक को खोलने पर जैसे प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन हो के आ जाएगा, और ओपन होने के बाद में यहां सबसे ऊपर परीक्षा वर्ष लिखा हुआ है, तो इस पर हम प्रेस करके 2019 कर देंगे, और 2019 करके यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, और इस रोल नंबर में हम अपना रोल नंबर एंटर कर लेंगे। और रोल नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर नीचे देखिए कैप्चा कोड लिखा हुआ है, तो इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर कर लेंगे, जो लिखा होगा सुरक्षा कोड। तो इसमें जो है हम एंटर कर लेंगे सुरक्षा कोड को, और सुरक्षा कोड को एंटर करने के बाद में व्यू रिजल्ट पे हम प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम व्यू रिजल्ट पे प्रेस करेंगे तो हमारे सामने जो है पूरा रिजल्ट शो होके आ जाएगा, ओपन होके आ जाएगा। तो इस पर हम प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर पूरा आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल यहाँ पर शो होके आ रहा है, नाम माताजी का नाम और पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूरा शो होके आ रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आप जो है मिला है, किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर मिला है यहाँ पर पूरा यहाँ पर शो होके आ रहा है। तो दोस्तों आप इस तरह से जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो आप 2022 का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो आप अपना रिजल्ट सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, जो कि आप इस वीडियो के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।